में पढ़ चुके हैं, अब हम आगे शुरू करते हैं। प्लांट्स ब्रीद थ्रू स्मॉल पोर्स प्रेजेंट ऑन देयर लीव्स। पौधे अपनी पत्तियों पर मौजूद छोटे छिद्रों के द्वारा सांस लेते हैं। दीज पोर्स आर कॉल्ड स्टोमेटा। इन छिद्रों को स्टोमेटा अथवा रंध्र कहा जाता है। नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट ब्रीथ। निर्जीव वस्तु श्वास नहीं लेती। फॉर एग्जाम्पल योर टेडी बियर और डॉल विल नॉट गेट सफोकेटेड इफ यू क्लोज देयर नोज। उदाहरण के लिए यदि आप अपने टेडी बियर अथवा गुड्डे का नाक बंद कर देते हैं तो वे घुटन महसूस नहीं करते। लिविंग थिंग्स कैन फील। सजीव वस्तुएं महसूस कर सकती हैं। ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स फील द चेंजेज अराउंड देम विद द हेल्प ऑफ देयर सेंस ऑर्गन। मनुष्य और जानवर अपने चारों तरफ की के बदलाव को अपने ज्ञानेंद्रियों की मदद से महसूस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल इन विंटर वी शिवर एंड इन समर्स वी फील वेरी हॉट। वी लाफ व्हेन वी आर हैप्पी एंड क्राई व्हेन वी आर सैड। उदाहरण के लिए सर्दियों में हम कपकपी महसूस करते हैं और गर्मियों में गर्म महसूस करते हैं। जब हम खुश होते हैं तब हम हंसते हैं और जब दुखी होते हैं तो चिल्लाते हैं। प्लांट्स कैन आल्सो फील देयर सराउंडिंग्स। पौधे भी अपने परिवेश को महसूस कर सकते हैं। दे कैन फील द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड देयर ब्रांचेज ट्राई टू ग्रो टूवर्ड्स इट। वे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति को महसूस कर सकते हैं और उनकी शाखाएं उसकी तरफ बढ़ने का प्रयास करती हैं। नॉन लिविंग थिंग डू नॉट फील। निर्जीव वस्तुएं महसूस नहीं करती। फॉर एग्जाम्पल योर टॉयज विल नॉट फील एनी पेन इफ यू पिंच देम। उदाहरण के लिए यदि आप अपने खिलौनों को चुटकी काटते हैं तो वे दर्द महसूस नहीं करते। थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग। बच्चों आगे काम आपको अगले वीडियो में पढ़ाएंगे।